जी सर। क्योंकि समय चाहे कितना ही बदल जाए, दो चीज़ें इंसान को हमेशा चाहिए, प्यार और परिवार। मकान एक बार में बन जाता है पर परिवार को रोज बनाना पड़ता है, रोज नई मंजिल आ जाती है। इसको भी प्यार की खुशी है तो जैसे बनी रहे। रिश्तों में चाहे फासले आ जाए पर दूरियां अधूरियां ना आए। एंड देन छोटे से कांच जैसे हम जैसे कि आप यूज करते हैं अच्छा लगा। मेरी बेटी पार्टी के ड्रेस के लिए है ये, अक्षर समझी नहीं। चलो इसी बहाने से अनुपमा में आई तो मैं अनुपमा में ही हूँ। आज अनुपमा की अनुपमा ये अनुपमा इसका मैंने उधार मांगा है। हाँ ये पाली है अपनी गाड़ी तो बैठो जल्दी से एक बार एक रिहर्सल करते हैं लाइंस की तरह स्टार्ट रिहर्सल। बड़े अनुपमा ही छोटी अनुपमा ये रिश्ता में आना बताओ शिवा जी इसलिए तो मैं रात में आगे भीगी हुई थी तो यहाँ पे नहीं आप मंदिर से वापस आ गए सब कुछ नहीं हमारी आई से विश की तो जरूरत है वाला कैसा है। प्यार कभी कम ना हो एंड अचानक से देखा है यहाँ पे मान लिया परिवार की एकता और खुशी और वहाँ पे जाके एकदम से फैमिली और देखा तुमने और देखते ही यूसी के अच्छा ये मैं विश मैं भी तो मांगू इसमें काच वो बना रहे हैं मेरी बेटी स्वीटी पासी उसके Thank you.
अरे आप ऑडियो ऑडियो एक लो हो रहा है ना। हाँ ठीक है, ठीक नहीं हो फिर प्ले करके देखें आप लोग। अभी वाई भी तो नहीं है यार, क्या करूँ, बेटी के अंदर है ना। आइए पीछे से भी चल के आइएगा। जिमर पीछे बैठे उनको हटाने हटने बोलना। हेलो थर्मोकोल ग्राउंड पर कितने हेलो तीन चार जनता नहीं सिंगल का बैठ जा नीचे बैठ जा नीचे बैठ जा दोनों थर्मो करेंगे इसके बाद वही करने आए हो। आइए आइए चलिए ये फील्ड है कितना एक बार सीन फटाफट करो बेजी चलाएंगे तो यू नो द बिकॉज़ ही यू आर अ
आंसर यू आर अ सिंगल. सो जो हम प्रॉमिस आगे करने वाले हैं दैट विल बी मर्जर एपिसोड दैट विल बी इंटीग्रेशन मोबाइल किशन पिक्चर का है जिसने अपनी डांसिंग को लाइफ में अपनी कॉलिंग बनाया 25 साल के बाद और जो आज अपने सिंगिंग को म्यूजिक थेरेपी की तरह एक हीलिंग की तरह देखी और उनके जब साथ में होगा तो वो जो महासंगम और जो महामिलन होगा बेस्ट ऑफ आर कल का टेलीकास्ट है ये आज नहीं करें कल का टेलीकास्ट है तो पेसी रखेंगे लेंथ के हिसाब से चलो ऑल द बेस्ट ओवर ऑल कैप्टन आई एम अराउंड अदर मैप इट आई अवॉइड माय वर्ड प्लीज प्लीज ऑल द मीडिया पर्सन्स यहां पे जस्ट स्टैंडिंग मेरे बंदूक लगाए पीछे कंधे पे बहुत लेफ्ट मत जा हाँ सॉरी एक और करता जल्दी से तुमको भी देखी देखो पीछे जाओ कर हो गया देखी दुकान अच्छा कल देखे एक एक आप जाना अभी पहले पहले रोलिंग ऑन एक्शन देख लिया बिना देखा तुमने लोग बांध रहे हैं बांध रहे थोड़ा सा राइट ऊपर स्लाइड राइट बैलेंस देख लिया और तुमने देखा इधर शॉप देखी इधर और जा चल ठीक है हाँ दोनों जाना साथ में उधर से हटिए वो मेकअप रोल
करेक्ट बोलिंग एंड साथ में एक्साइटेड एंड एक्शन दोनों ने साथ में बांधा और बोलते हुए कान्हा जी रिश्ते बने रहे और रिश्तों में प्यार भी। अरे अक्षरा की बोल दिया, बोलो अक्षरा। देखा है तुझे आइडिया आया और पली एंड फट से निकाले मिरर्स। अभी देना नहीं, अभी लोग ही नहीं, वो कंफ्यूज है, फिर उसको पूरा भाषण देती है। साथ में कर रही हो दोनों? हाँ बस हो गया, वो बंद गया सपोज टू बी, बांध दो उसको। डायलॉग हो गए अभी। थैंक यू सो मच। वो लास्ट वाली लाइन तुम्हारी सीधे आपकी ये बात हमेशा उसकी तरफ खाली दो हाथ करना, तुम मत करना। रोलिंग एंड मैंने सीखने में समझने में बहुत देर कर दी, तुम मत करना। रोलिंग एंड एक्शन। अभी लास्ट का सीधे कोई अजनबी अपना सा लगना लगता है, लगने लग जाता है। थैंक यू सो मच और दोनों मिलके बांधना उससे। रोलिंग एंड रोलिंग एंड हां दोनों थोड़ा पास लाइव भी कितनी अजीब है ना, कई बार अपने अजनबी लगने लगते हैं और कई बार कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है। थैंक यू सो मच। रोलिंग एंड एक्शन। या बांधा, बांधो उस पे, क्योंकि वो बड़ा वाला मिरर अपनी तरह रखना रूपाली। बस एक ही गांठ मारो अच्छे से। हाँ और मिरर देखो, मिरर में दोनों का चेहरा दिख रहा है। तू भी मिरर पकड़ ले अपना, ये जब बांधा है मिरर, हाँ फैमिली के साइड साइड में। और दोनों ट्राई करो ये वाला कैमरा लेंस देखने की कोशिश करो, दिख रहा है? बाकी लोग हट जा रहे हैं सब। अब मिरर साफ करो जल्दी से, सेकंड एक्शन। हो गया खुश एंड चलना शुरू करो। तुम भी कर लेना, उन्होंने हाथ जोड़ा तुम भी जोड़ लेना ना। रेडी रोलिंग एंड एक्शन। हाथ जोड़ा, देखा उनको और चलना शुरू किया। चल इट ओके। अभी चीख करो थोड़ा सा नीचे करके उसको देख। बांधना शुरू किया एंड मांगो
यू फील नाइस ऑन दिस गर्ल. और तुझे याद आया निकाल? मैंने मेरी बेटी स्वीटी पार्टी के ड्रेस में लगाने के लिए बनाया. मेरी बेटी स्वीटी सॉरी ये देखो सर आ गया है. कैसा? मैंने मेरी बेटी स्वीटी पार्टी उसके लिए बनाया ताकि उसे हमेशा याद रहे कि दूसरों के बारे में सोचने के साथ साथ अपने बारे में तुम और मैं हम दोनों अपने अपने परिवार से बहुत प्यार बहुत बहुत प्यार करते हैं. उसके पास कुछ भी नहीं बचता आंसू तक नहीं. औरत सब कुछ से लेकिन अपने आप से रिश्ता निभाना तो दूर रिश्ता बनाना तक नहीं आता उसे. इसलिए अपने आप से रिश्ता दूसरों के लिए खड़ी होने से पहले खुद के लिए खड़ी होना सीखो. समझे? और ये हुनर जितनी जल्दी सीखो यहीं से. रोलिंग एन रोलिंग एन एक्शन. इसलिए अपने आप से रिश्ता बनाना सीखो. ये हुनर जितनी जल्दी सीख जाओगे तो अच्छा होगा. रोलिंग एन एक्शन. इसलिए अपने आप से रिश्ता बनाना सीखो. दूसरों के लिए खड़े होना सीखो. मेरे के लिए खड़े होना सीखो. और मेरे के लिए जितनी जल्दी सीखो. दीपाली कनेक्ट है कुछ उन्होंने बांधा 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 मूवमेंट पूछू पहले वो मिरर पकड़ के देखा था ना. हाँ. लास्ट बांधा और देखा दोनों ने अपने आप को. रोलिंग एन रोलिंग एन एक्शन. देखा दोनों ने मिरर देखा दोनों ने खुद को देखा उसमें और एक दूसरे को देखा एक दूसरे को देखो एंड छोड़ा उसको प्रणाम किया एंड खत्म हुआ काइंड्स. चलो कर मैं बोला तुम जितनी जल्दी सीख जाओ उतना अच्छा. मैंने ये सीखे नहीं तुम मत करना. मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा. अच्छा कुछ काम की वजह से मैं अहमदाबाद गई. अब मुझे समझ आया कि किस्मत ने मुझे यहीं छोड़ा ताकि मैं आपसे मिल सकूं. लाइफ भी कितनी अजीब होती है. कहीं अपने अजनबी से लगती है और कई बार कोई अजनबी अपना से लगता है. थैंक यू सो मच. कनेक्शन देना.
अजनबी से लगे और कई बार कोई अजनबी ना से। थैंक यू सो मच अगेन। ये ले ऐसा नहीं लगना चाहिए। अच्छा मैं राइटिंग कर रही जी। मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। जर्ली? हाँ। थोड़ा लेट हो गया।
To talk to you, a very quick one, because both the parties are very busy and you guys also busy. So thank you for having the patience and the respect for waiting for me to speak before you have approached the talent directly or whatever, because we've been waiting here for 3 hours to assemble the entire team, no? And our purpose kya aaj ka? So our purpose today was ki aaj ek show rishta ka kehlata hai, jisne ek Anupama ko ek standing di. नो अनुपमा को एक स्टैंडिंग दी, एक मदर शो है उसको एक स्टैंडिंग दी. आज ये रिश्ता का इंटरव्यू है काफ़ी सालों से. सो रोमेश जी हुज़ बिन देयर फ्रॉम डे वन ऑफ ये रिश्ता का कहलाता है, जिन्होंने अनुपमा सेटअप किया एज अ सीरीज डायरेक्टर, ये रिश्ता कहलाता है सेटअप किया सीरीज डायरेक्टर, विवेक जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे ट्रियोलॉजी की क्रिएटिव विजन लेके आई हैं गरिमा, शी इज़ देयर हुज़ जिनका विजन अभी आने वाला है 27 को कुछ देख दो दिनों के अंदर. सो थैंक यू. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मर्जिंग ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. सो आई थिंक वो रोल प्ले होता रहता है. सम टाइम बैक आई थिंक ये रिश्ता वाज वेलकमिंग नायरा शिवांगी वाज वेलकमिंग अनुपमा, एंड आज देखिए दिस इज व्हाट आई थिंक इट्स ऑल गोज ऑन द सर्कल दैट टुडे रूपाली अनुपमा रिप्रेजेंटिंग द इंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ
Anupama is welcoming and doing this merger with the new year rishta kehlata hai Trilogy team. So aaj to wo scene hai jo aayega kal aayega 26th ko telecast hoga ye scene. So just telling all the viewers to definitely watch this episode of Ye Rishta Kya Kehlata Hai and Anupama. Yahan par pehli baar integration hoga in dono shows ka, first time integration till date. So thank you so much for being here. Thank you. And I would just want a exchange of flowers that I think Rupali should. सर आप हमारे शो वेलकम मैं तो दोनों तरफ किधर से किधर कब लेते समय भी और देते समय भी शुड वेलकम द न्यू ट्रियोलॉजी एंड खास बात क्या है दैट इज ऑल ए अनुपमा अभिमन्यु अक्षरा आरोही मेरे पता है आपका नाम गाइस सो आई वुड लाइक वी टेक दिस ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू And welcome to DKP. Thank you. Thank you. And this is from to continue doing good work. Continue inspiring us, continue supporting us. Thank you, thank you, thank you. With pleasure. And another one gesture, you just give them a welcome, good luck gift to the three. Okay. For good luck. This is gonna be in my room. In my room. Don't steal it. अरे सब की दर्शन होंगे गुड लक वो कहते हैं ना कि आप कितनी भी मेहनत करो हम डीकेपी में हमेशा मानते हो शाही प्रोडक्शंस में आप कितनी भी मेहनत करो आप कुछ भी करो मगर जब तक आपके परिवार का आपके पेरेंट्स का और बड़ों का आशीर्वाद ना हो और सबसे जरूरी ऑल माइटी का ऊपर वाले का जब तक साथ नहीं हो और आशीर्वाद नहीं हो कोई काम सफल नहीं हो सकता सो फ्रॉम द एंटायर अनुपमा टीम वेलकमिंग द थ्री हाँ जी थैंक यू गाइस थैंक यू एंड जरूर देखेगा दो से हमेशा मिलते हैं एक बॉन्डिंग हो जाती है सबके बीच एंड रिश्ता क्या कहलाता है आई ऑलवेज टेल हिम आई सेड इट इज ऑलवेज लाइक अ मदरशिप एंड उसके छत्र छाया में अनुपमा बड़ी हो रही है सो आई ऑलवेज वांट दैट अम्ब्रेला टू बी देयर सो ऑल माय गुड विशेस थैंक यू सो मच एंड Yeah, three new talents, three new faces. And I am so looking forward to this because not only jo typically ek acha iska bachcha ho gaya to chalo ab kahani aage badhate waisa nahi hai ek completely naya show ek purane show ke blessings ke sath ye lekar aa rahe hain and I am so looking forward to seeing your show and a beautiful merger of talent you know which Absolutely. We are so happy that you know How I feel what is common between Anupama and Ye Rishta Kehlata Hai that of course Ye Rishta Kehlata Hai a platform hai wo usne barkat di usne ek blessing di Anupama ko aur Anupama jo bhi hai that is because of Ye Rishta Ka Kehlata Hai aur ye cheez hum sab accept karte hain and we all love that in DKP that we all are together as a team as a family together but khoobsurat ye baat hai ki jaise Anupama mein ek bahut khoobsurat talent you know in entire cast if you see beautiful talent like Rupali Sudhanshu, we have Anuj, we have Madalsa, new people and great talent came together, newcomers came together. So likewise, we have a beautiful trilogy, I would say, of one of the most seasoned, brilliant actors, Harshad. I've always wanted to work with him. Of course, इसके बारे में बहुत कुछ बाद में बताऊंगा. But एक जो reinvent करता है अपने आप को और जो एक passion और dedication इस इंसान में है, you know. And I think been years we've been saying we wanted to work, and I think हर चीज का correct time होता है. So we have this very, very, I would say, an amazing talent, an amazing actor, an amazing woman. And he always does unconventional casting, the kind that is. हम खुद ही unconventional. Typical वैसे वाले casting नहीं होते आपकी, just even in Anupama. So yeah. And of course we have the beautiful, you know, the people who have done few shows, who have done, you know, they've already made a name for themselves, but need to again come reinvent themselves.
we have that talent, and of course we have a newcomer who's being launched. So we have a beautiful merger of, you know, the talent, I would say, and great people, you know, the entire team. हम लोग आज चार लोग ही हैं जो represent कर रहे हैं अपनी teams को. ये रिश्ता कहलाता है गरिमा, रुमेश जी और विवेक. बाकी सारे हमारी जो teams हैं दोनों shows की, उनके बिहाफ में we want to say thank you to all of you and thanks for being here. अभी बहुत कुछ कहना, आज जस्ट शुरुआत थी. थैंक यू इवन शेयरिंग एंड केयरिंग सो वी कैन शेयर रोमेश सर. सो यू हैव एनी क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन अ जनरल मैनर यू कैन आस्क, देन दे विल गिव देयर बाइट्स टुगेदर ऑल फोर, देन वी मूव क्विकली बिकॉज़ देयर इज लॉट मोर. आज ज्यादा ही मत सब पूछ लेना क्योंकि थोड़ा वेट भी करो लॉन्च का. देखने के बाद चार दिन के आगे से ज्यादा स्टोरी किसी को बताते नहीं, होती नहीं ना. ये क्यों बता रहे हैं आप? इनकी मार्क्स हां होती नहीं है, ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है. मार्क्स का सेट इनके दिमाग में, लेकिन बताएंगे नहीं. एनी क्विक क्वेश्चंस बिकॉज़ आई वुड रादर देन यू गाइस यू नो टॉक टू देम. And of course, they will not disclose what we are doing. आप जरूर देखेंगे 27 को. So I think जो कहना था हमने सब कह ही दिया है. So I think आप लोग इनके photographs ले लीजिए and we should just thank you all from Garima, Rumesh and Vivek. Yeah, the photograph once I'll take one with all. Okay. Thank you guys. One I'll take with four of you. Come, Rupali, I'll take. कांग्रेचुलेशन, प्रोमो काफी फैंटास्टिक लग रहा है, आप काफी धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं. तू बोलो. और काफी मतलब आपने वर्कआउट भी किया ऐसा लग रहा है, तो क्या कहना चाहिए, कितने एक्साइटमेंट है इस रोड की? आर यू सेइंग कि मैले नहीं करता था मैं? हां तो यार हर बार जब काम करो तो अच्छा करो ना, मतलब दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. इट्स नाइस, थैंक यू. बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग. तो क्या कहना चाहेंगे, नई कहानी नई पीढ़ी के साथ अपने फैंस के साथ आ रहे हैं, तो जरा बताइए. भाई इस वक्त मैं क्या बताऊं यार, आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. ऐसा नहीं कि तैयारी की कोई कमी है, या ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मेहनत की कोई कमी है, लेकिन भाई थोड़ा सा पुटिंग टू टेस्ट वाली फीलिंग आती है बिकॉज देयर इज अ रेपुटेशन. सो बट या फिंगर्स क्रॉस, और जैसा कि सर ने कहा, भगवान जी की अगर कृपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा. I think all बड़ों का आशीर्वाद. बड़ों का मतलब इन जनरल है, नॉट या द यंगेस्ट. सो रूपाली मैम, हमेशा से अनुपमा एक ऐसा शो रहा है जो औरतों को ज्यादा मोटिवेट, यू नो, मर्दों को भी मोटिवेट करता है. राइट, बट ज्यादा इनके शो में, या यंग हो या फिर ओल्ड हो या फिर जो भी हो, आपने बहुत मोटिवेट किया है. आज भी एक सीन जो आपने किया प्रणाली मैम के साथ, आप एक छोटा सा एम्पावरमेंट कर रही थी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और आपका जो शो है अनुपमा, अनुपमा के हर एपिसोड में हम एक मैसेज हमेशा देते हैं थ्रू आर डायलॉग्स टू सर्टेन सिचुएशंस, कि औरत अपने आप में बहुत सक्षम होती है, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो घर में रहने वाली, हमेशा से घर में रहने वाली एक गृहिणी क्यों ना हो. अ वुमन हैज is very 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 strong, her strength is unimaginable. So yahi ek choti si baat unhone Akshara ko samjhai hai Anupama ne, but dono show ke genre alag hai, to dono show ko us basis pe aap ek sath na kare ya fir compare na kare. No, because pehle Anupama kuch bolti nahi thi, lekin ab aap apne ba ko, you know, thoda like understandable tarike se samjha rahi hai. Har grahini ke ya har aurat ke zindagi mein ek aisa samay aata hai, ek aisa padav aata hai jahan se wo realize karti hai ki ha, main bhi strong hu, main bhi kuch hu, you know, mere bhi ek identity hai, mera bhi ek wajood hai. So wahan se wo shayad apne wajood ke liye ladna shuru karti hai, apne apne aap ke liye ek alag rasta, ek alag duniya banane ki koshish karti hai. Wahi Anupama ke sath hua hai, which is thank you so much to everybody use pasand karne ke liye. Pranavi, Karishma, aap kya kehna chahengi show se judkar, kis tarah se feel ho raha hai, and as integration party scene jo shoot hua hai? हमें अभी आई थिंक थोड़ा ही टाइम हुआ है शूट स्टार्ट करके, एंड हमें ऑलरेडी इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी नर्वसनेस, इतनी मिक्स्ड इमोशंस है ना,
पर शूट करने में बहुत मजा आ रहा है। और स्पेशली अगर मैं आज की बात करूँ तो आज तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इनके साथ काम करके, बिकॉज मुझे ये बहुत स्टार्ट से पसंद है मैम। मैं इनको बहुत देखती आई हूँ, मैंने इनको अनुपमा में भी देखा है। आई एम हैविंग अ फैन मोमेंट एंड मुझे बहुत मजा आया इनके साथ काम करके। For me, the first day is like butterflies and nervousness, but at the same time, बहुत ही excitement. And finale को तो मैं काफी time से जान गई हूँ अभी. So it's like every morning I wanna, you know, I'm looking forward to see their faces. Be finale, Kairav bhaiya, everyone. It's like my new family. बहुत ज्यादा नर्वस थी, नर्वसनेस का लेवल भी कुछ और था, क्योंकि मुझे जब पता चला कि मैं अनुपमा में एक छोटा सा चंक शूट करने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। तो फिर मुझे बहुत नर्वसनेस थी आज सुबह सुबह आते टाइम कि क्या होगा। इससे मैं सुबह से इतनी ऑकवर्ड बैठी थी कि बात करूं नहीं करूं। फिर उसने मेरे गुड विशेस लिए हैं। श्योर, मैं बहुत नर्वस। आई टोल्ड हर दैट आई एम स्केरी, नो आई होप यू डिड। ये हमारे सेट पे आई हुई है। हां, मैं इनके सेट पे जा चुकी हूं और मुझे बस तारीफें का, मुझे सिर्फ तारीफें सुनाई दी थी सबके बारे में। माइक में भी, माइक में देख लेना। सो यू टोल्ड कि आप, आपके को-स्टार्स ने ऐसा बताया कि आप बहुत ही ज्यादा थोड़ी इगोइस्टिक हैं, बट एक्चुअली मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट है। ये हम लोगों की बुराई कर रही थी। नो नो, इन्होंने ऐसा कहा कि लाइक उनको ऐसा गलत बहुत अच्छी बात है ये जानते हैं, कनेक्शन था हमारा बहुत अच्छा। तो बट धीरे धीरे बहुत हम जेल अप हो गए वैसे। इट्स अ फन ग्रुप, मतलब दोनों सीरियसली वी हैव बीन वर्किंग फॉर गुड व्हाट 10 डेज नाउ, सात आठ दिन का आउटडोर, ये वो जो मेहनत की है इन लोगों ने आया है। मैं इनको देखता था, मैं बोलता था चलो बेटा चलो बेटा। यार मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूँ, काफी टाइम से तैयारी करता आ रहा हूँ, काफी टाइम से चीजें कर रहा हूँ, जिस तरीके से काम करता हूँ उसी तरीके से कर रहा हूँ। इट हैज वर्क फॉर मी एंड आई एम होपिंग इट विल, एंड बिकॉज देयर आर सच गुड पीपल अराउंड, यू मस्ट हैव नोन दिस, यू नो दे डोंट लेट यू टेक स्ट्रेस। जब दिखता है ना कि आपके साथ 50,000 और लोग लगे पड़े हैं, एक ही एजेंडा है, तो आपको लगता है ठीक है यार, सब मिलके कर रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा। प्लस द थिंग इज ऑडियंस का दिल बहुत बड़ा है, तो हम उनकी जगह लेने नहीं आए हैं, वो तो हमेशा उनके दिल में रहेंगे, हम बस उस दिल में जगह और बनाने आए हैं। देयर विल बी इनफ रूम फॉर अस। इस कैरेक्टर के बारे में एक्चुअली मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज ये देखने में लाइक हमेशा बोला है मैंने, एक्चुअली क्लियर किया है, बट आई एम एक्साइटेड, नर्वस भी हूँ थोड़ा सा, मैं भी अब बिलीव करने लगा हूँ, थोड़ा दिख जाए फिर बात करता हूँ। लेट्स वेट फॉर 2-3 डेज एंड आई थिंक आई विल आस्क यू गाइस। एक ऐसे शो का हिस्सा बने जो काफी पॉपुलर रहा है, काफी लोग उसको पहचानते हैं जानते हैं, तो एक जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई ऐसे शो में जहां एक ऑलरेडी जिम्मेदारी सर हमेशा होती है, जब भी आप काम करते हैं कोई भी काम करते हैं साला, कोई छोटा और बड़ा काम तो होता नहीं है, मन का और आपके डिसलाइक का हो सकता है। सो काम जब भी करते हैं हम मन से ही करते हैं, वो फिर कितना भी इट्स द सेम वे, मतलब ज्यादा सोच के काम खराब करके मतलब नहीं है। आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट वो तो एंड रिजल्ट ऑडियंस भगवान। सोचने का काम राजन जी, विवेक, आरएफ, रोमेश सर, ये लोग बखूबी कर लेते हैं, हम एक्टर्स हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हम उनकी कठपुतलियां हैं वहां के एक्टिंग का। वाइट पेपर ब्लैक इंक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन कितने लोगों को खुशी हुई थी जब पता चला था? मेरे को तो हुई थी ना,
जेन्युइनली पता है, हुई थी ना, मुझे पता है एक्चुअली राजन जी कैसे बेस्ट लुकिंग हीरो हो गया, सुना नहीं किसी ने इन्होंने जो बोला। आई हैव टू से दिस, राजन जी डीकेपी हैज द बेस्ट लुकिंग हीरो फ्रॉम आवर यू नो वनराज, अनुज, अदर बॉयज, पारस, तोशु, मैं बात कर रही हूं, हमारे यहां पर जो मोहसिन वाज अ ड्रीम एंड नाउ अरशद, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नहीं नहीं, वो सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी बहुत अच्छी डांस करते हैं, देखिए मतलब देखिए जरा देखिए, वी हैव द बेस्ट, वी आर देयर, वी आर द बेस्ट लुकिंग पीपल अराउंड, वी आर ऑल हियर। चलिए हो गया, तो खाना खा ले फिर अभी। हां चलो, थैंक यू सो मच, खाना खाना खाना, नो इंडिविजुअल।